जल्दी हारमोनियम सीखने के लिए आपको सरगम या अलंकार का प्रैक्टिस किस तरह से करना चाहिए, यह हम आज के इस लेसन में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेसन। पीआरके म्यूजिक क्लासेस से मैं प्रकाश प्रजापति आप सभी संगीत प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज के इस इम्पोर्टेंट लेसन की शुरुआत करता हूँ। आज के इस लेसन को अच्छे से समझने के लिए हम एक बेसिक सरगम लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस सरगम का रियाज आपको किस तरह से करना चाहिए। तो जो बेसिक सरगम है वो कुछ इस तरह से है। सा रे गा रे गा मा पा मा पा धा पा धनी धनी सा सा नी धा पा धा पा मा गा मा गा रे सा। इस सरगम का रियाज ऑलमोस्ट आप सभी ने कर रखा होगा। आपको किस तरह से इसका रियाज करना है ये मैं आपको तीन स्टेप में समझाऊंगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है, कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो जो सबसे पहला स्टेप है इसमें हमें क्या करना है, एक बार आपको हारमोनियम के साथ में गुनगुनाना है और एक बार आपको हारमोनियम पर सिर्फ इसको बजाना है। इससे क्या होगा कि स्वर आपके कानों तक पहुंचेंगे और आपको स्वर ज्ञान होगा और स्वर ज्ञान की मदद से आप कोई भी गाना या भजन आसानी से निकालना सीख सकेंगे। टुकड़ों में आपको रियाज करना है, किस तरह से करना है, सबसे पहले सा रे गा, एक बार आपको गुनगुनाना है साथ में और एक बार सिर्फ आपको हारमोनियम बजाना है और टुकड़ों में इस सरगम का रियाज करना है। यह हमारा पहला स्टेप रहेगा। तो किस तरह से करना है, सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धानी धानी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे सा सा रे गा पहला स्टेप कंप्लीट करना है। अब जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा इसमें हमें इन स्वरों के साथ में आवाज मिलाकर कुछ ना कुछ गुनगुनाना है। किस तरह से करना है, राधे कृष्णा 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 से आप इन स्वरों के साथ में आवाज मिलाकर कुछ भी गुनगुना सकते हैं, जैसे जय श्री राम
श्री राम, जय 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 श्री राम। इस तरह से आपको ये दूसरा स्टेप कंप्लीट करना है। अब जो हमारा तीसरा स्टेप रहेगा, इसमें हमें क्या करना है, फिंगर एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हारमोनियम जल्दी सीखने के लिए आपको फिंगरिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अच्छे से फिंगर चला पाएंगे, उतना ही जल्दी आप हारमोनियम सीख पाएंगे, हारमोनियम पर खुद से गाने निकाल पाएंगे। किस तरह से फिंगर एक्सरसाइज करना है, उंगलियों को उठा उठा कर चलाना है, मंद्र सप्तक से आपको तार सप्तक के साथ तक जाना है। ये किस तरह से करना है, शुरू आपको कहाँ से करना है, जो मंद्र सप्तक का सा है यहाँ से शुरू करना है, और किस तरह से करना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको स्पीड बढ़ाना है। किस तरह से करना है, इस तरह से आपको ये तीसरा स्टेप कंप्लीट करना है। पहला जो स्टेप था, इसमें हमने क्या किया, सरगम को गुनगुनाया हारमोनियम के साथ में, एक बार गुनगुनाया और दूसरी बार में सिर्फ हारमोनियम बजाया। जो सेकंड स्टेप किया, उसमें हमने राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राम, इस तरह से कुछ ना कुछ आपको गुनगुनाना है। और तीसरा जो स्टेप है, इसमें आपको फिंगर एक्सरसाइज करना है। तो ये था आज का लेसन। कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।